नमस्कार, आज मैं बात करूंगा माइक्रोबियल गट के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सबको पता ही है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि एक जो है हमारे सेल हैं तो उसके ऊपर 10 सेल्स जो हैं वो माइक्रोब्स के होते हैं, और इन्हीं के तालमेल से जो है हमारी पूरी बॉडी चलती है। यानी कि अगर हमारे 1 लाख सेल्स हैं तो जो माइक्रोब्स हैं वो 10 लाख हैं, और ये दोनों आपस में तालमेल करके जो है पूरी बॉडी के सिस्टम को चलाते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो यहाँ से स्टमक में जाता है खाना, और स्टमक में जो जो डाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें लीवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन जब भोजन एक बार स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ से रोल जो है प्ले होता है माइक्रोब्स का। सो इंटेस्टाइन और कोलन्स, हमारी ये दो जगह पे माइक्रोब्स का भरमार है। तो अब आप समझ सकते हैं, उसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो भी अब्सॉर्प्शन होता है उसका, वो टोटली जो काम है वो माइक्रोब्स का ही होता है। अगर हमारे गट्स में माइक्रोब्स का इम्बैलेंस होगा, माइक्रोब्स कम होंगे, तो आप जितना मर्जी खा पी ले, आपका विटामिन्स, मिनरल्स आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं हो सकता। सो आप समझ सकते हैं कि माइक्रोब्स को बैलेंस करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, इस चीज़ में जो है मैं कैसे इसको बैलेंस करता हूँ, मेरा जो टोटली कंसेप्ट है ये है कि जो बॉडी है पूरी तरह से हमें दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो है बॉडी क्लिंजिंग, और सेकेंड्स है माइक्रोब्स को बैलेंस करके रखना। अब ये मैं किस प्रकार से मेंटेन करता हूँ, देखें। बॉडी क्लिंजिंग तो हम जो है जितनी भी कच्ची सब्जियाँ खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियली अगर आपने जैसे डाइट शुरू किया है तो एनिमा ले सकते हैं, या बीच बीच में कभी कभार आप एनिमा दोबारा भी ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बॉडी क्लिंजिंग जो है ग्रीन जूसेस करती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो नंबर एक पे चीज़ तो ये है जो कि मेरे डाइट में ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और दूसरी जो चीज़ है वो है, और दूसरी जो चीज़ है वो है माइक्रोब्स को बैलेंस कैसे करना है। सफाई तो हमने कर दिया, बॉडी में क्लिंजिंग तो हो गई, ठीक है। अभी माइक्रोब्स को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि खाना तो लीवर पचा देगा, ठीक है, लीवर तो स्ट्रांग है, ठीक है, ओके, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक में, ठीक है। लेकिन फर्दर जो हमें मैक्सिमम विटामिन मिनरल्स मिल सके, ठीक है, और पूरी बॉडी तालमेल के साथ चल सके हमारी, उसके लिए हमें माइक्रोब्स को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, फल और सब्जियों का ही डबल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एक तो बॉडी क्लिंजिंग करती ही है, दूसरा माइक्रोब्स को भी बैलेंस करती है। अब ये जो बात मैंने बोली माइक्रोब्स को बैलेंस करती है, इसमें भी दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। एक तो फल और सब्जियां जिनको हम कुक नहीं करते, आग पे नहीं चढ़ाए हैं, तो उसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कच्ची चीज़ें, फल और सब्जियां जो ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका असली भोजन यही है, अगर जो हमारे गट्स में, ठीक है, इंटेस्टाइन कोलन्स में जो बैक्टीरियाज हैं, असली भोजन यही है, कच्चा भोजन, ठीक है। आप देखेंगे जब आप बर्गर, पिज्ज़ा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें आप खाएंगे तो माइक्रोब्स आपके कम होंगे, ठीक है, मरेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब हम ज़्यादा पकाया 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 भोजन खाते रहते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन के माइक्रोब्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और वहीं से जो एक तरफ गंदगी जमा होती है, दूसरे माइक्रोब्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और वहीं से बीमारियों का शुरू हो जाता है, ठीक है। पकाया हुआ भोजन और एंटीबायोटिक्स, ये दो ही चीज़ें हैं जो माइक्रोब्स को जो है इम्बैलेंस करती हैं, माइक्रोब्स को ख़त्म करती हैं, मारती हैं, कम करती हैं इंटेस्टाइन और स्टमक में, इंटेस्टाइन और कॉलन्स में।
इस प्रकार से फल और कच्ची सब्जियां दो रोल प्ले करती हैं, एक तो बॉडी क्लींजिंग करती है, दूसरा माइक्रोबियल बैलेंस करती है। ठीक है, उनका भोजन पहुंचा के जो है उसको बैलेंस करती है, और उसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं क्योंकि हमने उसको पकाया नहीं है। ठीक है, फल सब्जियों में ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने इस चीज़ को समझा। ठीक है, फल और सब्जियों का। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ठीक है, माइक्रोब्स को बैलेंस करने के लिए इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मिलेट्स है, कई बार मैं उसको पकाता हूँ, ठीक है, रात को ही, और उसी मिलेट्स को, उसमें नमक नहीं डालता, ठीक है, उस दिन मैं नमक नहीं डालता जिस दिन मुझे ये करना होता है, और रात को ही जो है उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ और उसको मैं उठा के रख देता हूँ पका के। ठीक है, और नेक्स्ट डे उसको मैं खाता हूँ। तो ऐसे बीच बीच में मैं कभी कभी करता हूँ। अम्बली का बहुत लंबा प्रोसेस है, सो वो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस तरह से मैं जो है बीच बीच में कभी कभी करता रहता हूँ। सो इस प्रकार से ये दो तरीके हैं जिस तरह से मैं माइक्रोब्स को बैलेंस करता हूँ। रॉ फ्रूट्स, रॉ डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स सैलेड, और दूसरा जो है वो है मिलेट्स को बना के रात को ऐसे रख देना और नेक्स्ट डे उसको खा लेना, वो फर्मेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं। सो इस प्रकार से देखिए डाइवर्सिफाइड जो है माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाइवर्सिफाइड कैसे मिलेंगे, एक एक चीज़ ही अगर आप खाते रहेंगे तो डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स तो नहीं मिल सकते आपको। ठीक है, हज़ारों तरह के बैक्टीरिया हमारे पेट में हैं। ठीक है, मान लो आप दही खा रहे हो, रोज डेली दही खा रहे, ठीक है, तो तीन तरह के बैक्टीरिया, ठीक है, जो उसमें लैक्टोबैसिलस या तीन, आई थिंक दो तीन तरह के उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो वो डोमिनेट करेंगे हमारी इंटेस्टाइन में जाके। ठीक है, बाकी माइक्रोब्स को दबाएंगे और खुद की संख्या को बढ़ाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स चाहिए। ठीक है, सो इस प्रकार से जब आप अलग अलग चीज़ें खाएंगे, अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं, आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स को बैलेंस करना है गट में। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेट करके एक चीज़ पे नहीं खाना है। ठीक है, हालांकि मेरे डाइट में देखिए एक दो चीज़ें कंसंट्रेटेड होती है, जैसे कि मैं पपाया खाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं मेरे डाइट में। मिलेट्स 5 प्रकार के खा रहा हूँ, डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो सैलेड्स हैं, ठीक है, वो मेरे अलग अलग तरह के सैलेड्स हैं, वो सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, आप एक ही चीज़ पे मत अड़े रहें कि भाई मैं तो ये खा रहा हूँ, यही खाता जाऊँगा, ये खाता रहूँ। ठीक है, एक दो चीज़ें चले आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ पपाया मैं रोज डेली खाता हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है बीच बीच में मैं और भी फ्रूट्स लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो मैं इवनिंग में लेता हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स को गट्स में कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, बाकी क्लिनजिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में, हमारे जो कॉलन इंटेस्टाइन में है, ठीक है, माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोबियल गट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।